दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम लोग जो इंडिया का करेंसी यूज करते हैं, यानी कि हम लोग जो 10, 20, 50 के नोट का लेन देन करते हैं, उसे यानी कि एक नोट बनाने में भारतीय रिजर्व बैंक को कितने रुपए का खर्चा आता है? तो दोस्तों, जो ये नोटों को बनाने का खर्चा आता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग रुपए के नोट बनाने में। तो दोस्तों, जो हमारा 2000 रुपये का नोट है, उसे एक नोट बनाने में हमारे भारतीय रिजर्व बैंक को 4.18 रुपये लगते हैं, और वहीं 500 रुपये के एक नोट बनाने में 2.57 रुपये लगते हैं, और 200 रुपये का जो नोट बनाने का खर्चा आता है वो 2.15 रुपये हैं, और 100 रुपये का जो नोट बनाने का खर्चा है वो 1.51 रुपये हैं, और जो 50 रुपये का नोट बनाने का खर्चा आता है वो 1.81 रुपये हैं, और वहीं 20 रुपये के नोट बनाने में 1 रुपये लगता है, और जो 10 रुपये का नोट बनाने का खर्चा आता है वो 96 पैसे लगते हैं।